कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फूल सिंह बरैया ने थाटीपुर स्थित अपने पोलिंग बूथ पर मतदान किया। फूल सिंह बरैया ने विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 40 से 50 सीटें ही जीत रही है। मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है, जनता बदलाव चाहती है, इसलिए मैं यह दावा कर रहा हूँ ग्वालियर चंबल अंचल में भी कांग्रेस को सर्वाधिक सीटें मिलेगी। आपको बता दें कि दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी है फूल सिंह बरैया। मैं वोट डालने के लिए आया था और वोट मैंने डाल दिया है जी। और वोट डालने के बाद मैं कह सकता हूं आपके सबके समक्ष कि इस बार मध्य प्रदेश में बदलाव की लहर है। 18 वर्ष का जो कुशासन था, मुझे लगता है उसकी विदाई की तैयारी है। और लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं, महंगाई ने जनता को मार डाला है और इधर बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनकी जो बेरोजगारी है, नौकरियां देने का नाम नहीं करते हैं और उसमें घोटाले पे घोटाले चलते जा रहे हैं, चाहे पटवारी घोटाला हो, व्यापम जिस तरह के घोटाले हैं, बंदे नहीं हो रहे हैं, तो जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो बदलाव की लहर है, बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये सरकार निश्चित रूप से बनेगी। कितनी सीटों का अनुमान है आपको? मैंने जो पहले कहा था कि 181 सीटों से कांग्रेस कम नहीं जीतेगी और 181 सीटों का मेरे पास कैलकुलेशन भी है और उस कैलकुलेशन के आधार पर और भी ज़्यादा जीत सकती है, लेकिन 181 से कम तो कदाप नहीं। चंबल अंचल में कितनी सीटें आने का? चंबल अंचल में पहले हम लोग 26 सीटें जीते थे और इस बार भी हम 26 से कम नहीं रहेंगे, हो सकता है वो बढ़ जाए एक दो सीटें।